वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मानु पॉलिटेक्निक के अंदर मानु पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन आईटी या कोई भी इंजीनियरिंग का सेक्टर जो है मानु के अंदर डिप्लोमा में, तो उसमें फॉर्म किस तरह से भरना है और फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे और मैं आपको फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम खोल लेना है और गूगल क्रोम खोलकर यहां आप लोग को टाइप करना है https://manucoe.in/regular-admission/ और उसके बाद सर्च बार पे क्लिक कर देना है और हम लोग पहुंच जाएंगे मानु का जो एडमिशन होने वाला है उसका जो पोर्टल है उसके होम पेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ आप लोग को करना होगा रजिस्टर। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन बटन दबाइएगा, और अगर आप अभी तक कोई भी स्टेप नहीं किए हैं इस फॉर्म भरने का, तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोगों को इंग्लिश में दिखेगा। अगर आप चाहें उर्दू में पढ़ना चाहें इंस्ट्रक्शन को, तो यहाँ क्लिक करके इन इंस्ट्रक्शन को उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ें क्या है कि आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैन्ड फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर स्कैन किया हुआ चाहिए, और सर्टिफिकेट जिससे ये प्रूफ आप कर सकते हैं कि आपने उर्दू पढ़ा है 10th, 12th या ग्रेजुएशन लेवल पर, वो चाहिए। और उसके बाद लास्ट है कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप पेमेंट कर सकें। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चाहिए आपको। ये सारा पढ़ने के बाद आप लोग रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर रेगुलर प्रोग्राम्स एडमिशन 2022-23। यहाँ आप लोगों को पहले फर्स्ट नेम, अपना पहला नाम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, यानी आपका नाम, इन तीनों में फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद मदर्स नेम, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में ईयर, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डे यानी डेट, उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेना है इनमें से कोई भी, और उसके बाद उसका आंसर यहाँ डालेंगे आप, और यहाँ नीचे जो कैप्चा है उसको आप फिल कर देंगे इसमें, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये सारा फिल करने के बाद आप लोग नीचे आके रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे और ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा और उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका होगा। अब क्या करना है हम लोग को, लॉगिन करना है। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, देख सकते हैं आप कि पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, चेंज पासवर्ड, नीड हेल्प, ये सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, तो पर्सनल डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ हम लोगों को देखना है जो जो चीज़ फिल नहीं है उसको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से फिल अप है, उसके बाद फर्स्ट नेम, नाम जो हमने डाला था वो पहले से है, उसके बाद ईमेल आईडी भी यहाँ है, उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ
और जेंडर सिलेक्ट है पहले से, ठीक है। अब जो है फादर्स नेम यहाँ आप लोगों को डालना है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस पर टिक कर दीजिएगा, नहीं करते हैं तो नहीं कीजिएगा। जैसे आप कभी मानू मॉडल स्कूल में पढ़ चुके हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसी तरह जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा। अगर आप चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड पर्सनल यानी CAP कोटा चाहते हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिएगा। उसी तरह अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ECA कोटा से, NCC या NSS कोटा से आते हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा। अगर PMSS कोटा से आते हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, या फिर NRI हैं, या फिर ये जो जो भी ऑप्शन दिख रहा है आपको फॉरेन नेशनल ये सब, तो अगर इनमें से किसी भी स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो टिक कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाना है, यहाँ आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर SC ST OBC WS तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PWD हैं तो यस, और अगर नहीं हैं तो नो। अगर यस कीजिएगा तो आपके साथ फिजिकली कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको मेंशन करना होगा, और नहीं है तो नो रहने दीजिएगा। फिर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं या फिर रूरल एरिया में रहते हैं। उसके बाद आधार नंबर आप डाल सकते हैं, आधार नंबर ऑप्शनल है। उसके बाद क्या आप मानों में पढ़ चुके हैं पहले, अगर पढ़ चुके हैं तो यस, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड रहने दीजिएगा। उसके बाद आपका मदर टंग क्या है, मादरी जबान उर्दू हिंदी इंग्लिश जो भी है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ID NADID जो होता है वो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सारा फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। सारा फिल करने के बाद हम लोग सेव बटन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप कि पर्सनल डिटेल्स हमारा सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब हम लोग एड्रेस डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग परमानेंट एड्रेस होम टाउन एड्रेस में हाउस नंबर या स्ट्रीट का नाम लिखेंगे। उसके बाद विलेज या पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, फिर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पिन कोड लिखेंगे, उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, तो अपने आप फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो फिर उसी तरह से इसमें फिल करना है आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अभी जैसे फ़िलहाल आप कहीं और रह रहे हों तो वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं पहले। ये सारा फिल करने के बाद हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स फिल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम लोग को गार्जियन डिटेल्स भरना है, तो गार्जियन डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, और यहाँ हम लोग को मदर फादर या गार्जियन का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर फादर या गार्जियन का एड्रेस, उसके बाद मदर फादर या गार्जियन का फ़ोन नंबर, फिर फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। इनमें से कोई भी ऑक्यूपेशन अगर नहीं होगा तो अदर्स कर देंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या बिजनेस है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे, या प्राइवेट अपना कोई काम करते हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय,
या फिर एग्रीकल्चर का काम करते हैं या उससे जुड़ा हुआ, तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर कोई और काम करते हैं तो अदर्स सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह मदर का ऑक्यूपेशन में भी इनमें से कोई नहीं है, है ना, तो फिर अदर्स सेलेक्ट करेंगे, या फिर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फैमिली का एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है, आप लोग अगर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सेव बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले इसको फिल कर लेते हैं। ये सारा फिल करने के बाद हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और सेव बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ डैशबोर्ड पे कि गार्जियन डिटेल्स भी फिल हो चुका है। अब हम लोग जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो चलिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। यहाँ फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है, उसी तरह सिग्नेचर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें जो जो हैं सही हैं कि नहीं है। तो जो ये चीज़ सही होगी उस पर हम लोग टिक करते चलेंगे, ठीक है। जैसे नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, और उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ प्रीव्यू या सेव फॉर लेटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपका नाम या फिर इनमें से कोई भी डिटेल्स, मोबाइल नंबर या जेंडर, जो भी चीज़ है, अगर सही नहीं होगा तो यहाँ डैशबोर्ड पे जाके पर्सनल डिटेल्स या एड्रेस डिटेल्स या गार्जियन डिटेल्स, जो भी गलत है उस पे जाके हम लोग सही कर सकते हैं अभी, और सबमिट करने के बाद ये दोबारा सही नहीं होगा, ठीक है। जब फॉर्म एडिटिंग का ऑप्शन आएगा तो फॉर्म एडिटिंग के ऑप्शन के वक्त कुछ ही चीज़ें आप सही कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है आपके पास वक्त है। अगर कोई भी चीज़ इनमें से कोई भी चीज़ गलत है या फिर इसके अलावा भी चीज़ें अगर गलत होंगी तो आप पर्सनल डिटेल्स में जाके या फिर यहाँ जाके आप चीज़ों को सही कर सकते हैं अभी, या फिर अभी एड्रेस डिटेल्स सही करना तो वो भी कर सकते हैं, गार्जियन डिटेल्स सही करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ हम लोग टिक करते चलेंगे, और उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर टिक करके यहाँ हम लोग सेव फॉर लेटर पर क्लिक करेंगे, और ये आपका सेव हो चुका है। फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, जैसा कि आप लोग डैशबोर्ड पे यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आपके सामने ये सारा पूरा फॉर्म जो आपने भरा है, डिटेल्स, ये सारा आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका फ़ोटो, यहाँ सिग्नेचर सब दिख रहा है, और अगर आप चाहें तो सेव फॉर लेटर पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर सब कुछ सही है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है कुछ चीज़ें सही करने का, यहाँ देखिए, है ना, लेकिन सब कुछ सही है तो आप सबमिट फॉर योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद आप एक पॉपअप मैसेज देखेंगे कि अब कोई भी अगर इसको आप ओके कर देते हैं, यानी सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर ओके करने के बाद कोई भी एडिटिंग नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म में आपके। तो इसलिए अभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं रह गया, तो आप उसको एक बार फिर से जांच सकते हैं। यहाँ से पर्सनल डिटेल्स पे जाके यहाँ चेक कर लीजिएगा, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद गार्जियन डिटेल्स पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर सही आपने अपलोड किया कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इत्मीनान हो जाएँ तो सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ ओके करते ही ये सेव हो गया, और उसके बाद अब आपके पास ऐड प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऐड प्रोग्राम का। तो जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक DLED, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसमें अप्लाई करने के लिए इस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम का नाम सिलेक्ट करना है, तो प्रोग्राम क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री मतलब
डायरेक्ट सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा आपका, और लेटरल एंट्री में आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अगर आप ट्वेल्थ कर चुके हैं तो लेटरल एंट्री के ज़रिए भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, फिर डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़, डिप्लोमा इन अरबिक, डिप्लोमा इन पर्शियन, डिप्लोमा इन तहसीन गज़ल, ये सारे कोर्सेज़ हैं। तो हम लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों को वो अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये क्या है। यहाँ टिक करते ही आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपने जो है टेंथ या ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन लेवल पे या उसके इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स या फिर किसी भी लेवल पे आपने उर्दू पढ़ा है एज ए मीडियम, एज ए सब्जेक्ट, एज ए लैंग्वेज, है ना, तो आपने पढ़ा है। तो इस पर टिक करते ही आप एग्री करते हैं और इसका एक प्रूफ आप लोगों को अपलोड करना होगा यहाँ, ठीक है। अपलोडेड उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट, इसमें क्या आप अपलोड कर सकते हैं, टेंथ का एडमिट कार्ड या मार्कशीट जिसमें ये लिखा हो साफ साफ कि आपने उर्दू पढ़ा है, मतलब कि उर्दू मेंशन हो सब्जेक्ट के रूप में या फिर लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, या मीडियम के रूप में, जो भी है, तो यहाँ अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको चुनना होगा सिलेक्ट स्टडी उर्दू टाइप, उर्दू आपने किस तरह से पढ़ा है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, एज अ लैंग्वेज पढ़ा है, एज अ मीडियम या मदरसा में, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उर्दू किस लेवल तक पढ़ा है, तो ये बच्चा टेंथ पास ही है तो टेंथ पास या इक्विवेलेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है, उर्दू अगर आगे भी आप पढ़ें, सर्टिफिकेट जो यहाँ आप अपलोड किए हैं इसके अलावा इससे आगे भी पढ़े हैं तो उसको भी चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टेंथ आप पास कर चुके हैं, 35% से ज़्यादा आपका मार्क्स है किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन लेवल क्लास टेंथ और इक्विवेलेंट यहाँ हो गया। अब क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम जो है यानी डिप्लोमा में एडमिशन के लिए आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, टेंथ पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे टेंथ क्लास या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लेवल है, तो कौन सा डिग्री आपने किया है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नेम, तो यहाँ पे आप लोग टेंथ लिख सकते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं, तो हम लोग टेंथ ही लिखते हैं। कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, तो बिहार बोर्ड है तो BSEB, है ना। उसके बाद रोल नंबर मेंशन करना है यहाँ, उसके बाद सब्जेक्ट और कोर्सेज, कौन कौन सा सब्जेक्ट बच्चे ने पढ़ा है उसको यहाँ मेंशन करना है या फिर कोर्स मेंशन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, MIL उर्दू, SIL हिंदी, NLH, ठीक है। तो ये हमने फिल कर दिया है। उसके बाद रिजल्ट पास्ट है या अवेटेड है, तो पास्ट है तो पास्ट में टिक करेंगे, अगर अवेटेड है तो अवेटेड पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर पास्ट है तो पास्ट पे टिक करने के बाद पासिंग ईयर हम लोगों को सिलेक्ट करना है, तो पासिंग ईयर इसी साल है तो 2022 कर दिया, अगर इस पिछले साल का हो या उससे पहले का हो तो उस हिसाब से आप लोग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स कितना परसेंट आया है वो यहाँ हम लोग को फिल करना है, और अगर CGPA में है मार्क्स तो CGPA में, खास करके CBSE वाले CGPA में मेंशन करते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में क्या है, परसेंटेज में मार्क्स होता है, तो हम लोग यहाँ परसेंटेज में मार्क्स लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है नंबर्स ओनली, नंबर बस आपको लिखना है, डोंट ऐड परसेंटेज, ये परसेंटेज का जो चिन्ह है, सिंबल है, ये आप लोगों को ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जैसे बच्चे का 60% है तो 60 लिख दिया हमने, ठीक है, तो उसी तरह आपका जितना परसेंटेज होगा उतना ही लिखेंगे। अब टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, किस सेंटर पे आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अपना नज़दीकी सेंटर सेलेक्ट करते हैं ज़्यादातर लोग, तो उसी तरह हमने भी किया है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट एटलीस्ट 8 कैंपस प्रेफरेंस और मोर, 8 कैंपस है ना चुनना है आपको कम से कम, या उससे ज़्यादा भी चुन सकते हैं, तो सेलेक्ट कर लेते हैं इसको।
सारा सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ऐड प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। और ये प्रोग्राम ऐड हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ प्रोग्राम ऐड हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर, प्रोग्राम नेम, अमाउंट, कितना फ़ी पेमेंट करना है हम लोगों को फॉर्म का, उसके बाद है पेमेंट स्टेटस दिखा रहा कि पेंडिंग है, अभी हमने पे नहीं किया इसलिए इस तरह से दिखा रहा। व्यू एप्लीकेशन, हम लोग इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, है ना। उसके बाद डिलीट करना है एप्लीकेशन को तो डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर पेमेंट करना है, मतलब जैसे कि कोई प्रोग्राम गलती से ऐड हो गया तो आप लोग डिलीट एप्लीकेशन क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो ये प्रोग्राम जो हमने ऐड किया है वो डिलीट भी हो जाएगा। पे फी पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पे कर देते हैं इसको। पे फी पे क्लिक करते ही एक पॉपअप मैसेज आपके सामने आएगा, यहाँ पे पे ऑनलाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, अदर डेबिट कार्ड से, ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग से, है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ हम लोग कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे, मंथ सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद ईयर, और उसके बाद CVV, कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है वो डालना होता है, और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, जिसके नाम से कार्ड है या कार्ड पे नाम होगा, या फिर अकाउंट जिसके नाम से उसका नाम डालना होता है, ठीक है। तो डालने के बाद मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे पेमेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। और ये डालने के बाद हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉप मैसेज दिखाई देगा, प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को हम लोग यहाँ डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करते ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। OTP डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और ये पेमेंट सक्सेस हो गया है। यहाँ पे आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं, ऑनलाइन फी ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस रिसिप्ट को प्रिंट करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग अभी इसको प्रिंट नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं अब कि पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। अब व्यू एप्लीकेशन के जस्ट नीचे क्या है, डिलीट एप्लीकेशन का जहाँ पे आ रहा था वहाँ हम लोगों को पेमेंट रिसिप्ट का दिखाई दे रहा है। तो पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करके अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करके आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और इसका चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, व्यू एप्लीकेशन, इसको भी आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ये आपको जमा करना होगा, तो इसको प्रिंट करके इसका भी प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। थैंक यू ऑल।